हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वैद्युत चालन में पढ़ रहे थे और वैद्युत चालन में जो कल का वीडियो आपको भेजा गया था उसके आगे हम लोगों को वैद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन के आवेश, अपवाह वेग, इन सब तथ्यों का आपस में रिलेशन के विषय में आज अध्ययन करना है। उस क्रम में सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, इसके लिए हम लोग कल इस बात पे चर्चा किए थे और ये बात भी थी कि धातुओं के अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने परमाणुओं से उसमें ऊर्जा के द्वारा मुक्त हो चुके होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कैसे धातुओं के अंदर इनकी गति क्या होती है और ये कैसे बिहेव करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने धातु के भीतर जो है उसी प्रकार से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने धातु के भीतर किसी भी दिशा में गति करने के लिए उसी प्रकार से स्वतंत्र होते हैं जिस प्रकार से वायु के अणु या द्रव के अणु। वायु और द्रव के अणु अपने पूरे आयतन में कहीं भी किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अपने आयतन में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए हम लोग इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत चालन में इलेक्ट्रॉन गैस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गैस क्या है, तो इलेक्ट्रॉन गैस जो है धातु के आयतन के अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गैस कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब किसी भी दिशा में चल रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन उस दिशा में तब तक सीधे चलता है जब तक वो किसी कण आयन से न टकरा जाए। आयन कहाँ से आ गया धातु के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जिन जिन परमाणुओं से अलग हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन धातु के आयतन के भीतर जिन परमाणुओं से अलग हुआ रहता है वे उस परमाणु का नाभिक अपने स्थान पर रहता है और क्योंकि उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है इसलिए वह परमाणु जो है एक धन आयन की भांति काम करता है। तो इलेक्ट्रिक गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन जब किसी नाभिक में स्थित किसी धन आयन मतलब परमाणु के नाभिक से टकराता है या किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसकी दिशा जो है बदलती है और दिशा बदलती है इसलिए इसकी दिशा जो है अनियमित हो जाती है क्योंकि इसकी चक्कर लगातार होती रहती है और चक्कर के लगातार घूमने के कारण इसकी दिशा भी लगातार बदलती रहती है। इस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिलता है या बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि अगर पहले टक्कर दो क्रमांक टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है एक सीधी रेखा में चला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और किसी एक नाभिक से टकराया, नाभिक से टकराने के बाद इसकी दिशा बदल गई फिर अगले नाभिक से टकराया, तो किन्हीं दो क्रमागत जो क्रमशः टक्कर हो रहे हैं क्रमांक टक्कर, तो पहला टक्कर फिर दूसरा टक्कर, दोनों टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो एक सीधी रेखा में चलता है और जो सीधी रेखा में चलता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ। तो मुक्त पथ का मतलब क्या समझा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने धातु के भीतर, इलेक्ट्रॉन अपने आयतन के अंदर किन्हीं दो क्रमागतों के बीच वह सीधी रेखा में चलता है और सीधी रेखा में जितनी दूरी वो चलता उस दूरी को हम कहते हैं मुक्त पथ। मुक्त पथ की लंबाई जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, कहीं इसका मान अधिक हो सकता है या कहीं इसका मान जो थोड़ा कम हो सकता है। तो मुक्त पथ की जो लंबाई है इन सभी लंबाइयों को जोड़कर अगर टक्करों की संख्या से भाग दे दें तो यानी मिल जाएगा हम लोगों को इस मुक्त पथ का औसत, उसी मुक्त पथ के औसत मान को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ की परिभाषा क्या हो जाएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त पथ के माध्य को
माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ये भी अच्छा है, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ के बाद अगला डेफिनेशन क्या है ना, शांति काल, शांति काल रिलैक्सेशन टाइम। शांति काल वह समय है, वह समय अंतराल है, समय का वह अंतर है शांति काल, जिसके बीच इलेक्ट्रॉन किसी अन्य कणों से टक्कर नहीं करता है। जब तक वो टक्कर नहीं करता है उसी समय को हम लोग कहते हैं शांति काल। जैसे ए से बी तक इलेक्ट्रॉन गया, पहला टक्कर ए पे हुआ, अगला टक्कर जो बी पे हुआ, तो एक दूरी तय किया, एक दूरी का हम मुक्त पथ कर दिए। अब इस मुक्त पथ को तय करने में इलेक्ट्रॉन जितना समय लिया उसी समय को हम कहते हैं शांति काल। अब शांति काल का भी औसत निकालना है, बहुत सारे टक्कर कंटिन्यूसली होती रहती है, तो अगर इन सभी टक्करों का शांति काल के हम औसत प्राप्त कर लें तो उसी औसत को हम कहेंगे औसत शांति काल। तो शांति काल हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी धातु के भीतर अनियमित गति करता है। अनियमित गति करने की प्रक्रिया में दो क्रमागत टक्करों के बीच में सीधी रेखा में चलता है, उस सीधी रेखा की लंबाई को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ की लंबाइयों के औसत मान को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ की दूरी को तय करने में इलेक्ट्रॉन जो समय लेता है उस समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल का भी औसत ले लिया जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, औसत श्रांति काल। इसके बाद से है अपवाह वेग। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, तो जब धातु के ऊपर जब हम विरूपांतर आवर्तित कर देते हैं, विरूपांतर मतलब इसको हम बैटरी स्रोत से जोड़ देते हैं, तो बैटरी स्रोत से जोड़ने के पहले ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो है इस आयतन में अनियमित गति करते हैं और ठिठन की गति करते रहते हैं। लेकिन जो ही इसको हम बैटरी स्रोत से जोड़ते हैं, बैटरी स्रोत से जोड़ते ही इस पूरे चालक में बैटरी क्षेत्र बन जाता है, हम प्लेट से रेड प्लेट की लोग इस तरह से बैटरी क्षेत्र बन जाता है। बैटरी क्षेत्र बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा जो है बैटरी क्षेत्र की बैटरी क्षेत्र की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब इस निश्चित दिशा में चलने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की इसी वेग को हम बताते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो इसके पहले इसमें होता है उष्मीय वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग तो है, अनुगमन वेग अपवाह वेग के पहले उष्मीय वेग। उष्मीय वेग क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब अनियमित गति कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति जब अनियमित होती है मतलब उसको किसी परिपथ में नहीं जोड़ा गया होता है, उस दशा में इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो उनका होता है वेग। वेग शब्द कहा जा रहा है, वेग जो होती है एक सदिश राशि, तो इलेक्ट्रॉन की उसी वेग को हम लोग कह रहे हैं उष्मीय वेग। उष्मीय वेग का औसत अगर देख रहे हैं तो चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने धातु के आयतन को छोड़कर इसके बाहर नहीं जाता है, यह इसके भीतर ही अनियमित गति करता है, तो चूंकि ये कुछ निश्चित दूरी अंत तक तय नहीं कर पाता है, इसी के अंदर ये लेफ्ट से राइट की ओर, अप से डाउन की ओर, डाउन से अप की ओर, मतलब इधर उधर ये गति करता है। इस प्रकार से करता जाता है कि इसका कोई परिणामी विस्थापन नहीं मिल पाता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन का जो औसत उष्मीय वेग होता है, उष्मीय वेग तो होता है लेकिन औसत उष्मीय वेग जो होता है उसको नहीं मिल जाता है। औसत उष्मीय वेग का मान तभी कुछ निकलता है जब इलेक्ट्रॉन धातु में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चल दिया हो, चूंकि इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि ए से चलते घूमते फिरते किसी क्षण और फिर एक पहुँच गया, तो औसत विस्थापन उसका कुल विस्थापन शून्य, कुल विस्थापन शून्य तो उसका वेग भी शून्य हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का जो औसत उसमें वेग होता है वो शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि यन टक्करों में इलेक्ट्रॉन चलते चलते फिर अपने मूल अवस्था में पहुँच गया, और इन यन टक्करों के अलग अलग जगहों पर उसका उसमें वेग जो है V1, V2, V3 और ऐसे मान लीजिए V1, इन सभी वेगों का योग निकाल दिया जाए और खुद किससे भाग दे दिया जाए यन से, तो इसका कुल मान कितना आएगा, कुल मान इसका आएगा शून्य। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का औसत उष्मीय वेग, औसत उष्मीय वेग
शून्य होता है। अब औसत उसमें वेग तो शून्य होता है, लेकिन इसका अनुगमन वेग जो शून्य नहीं होता है। अनुगमन वेग तब होता है जब हम उस चालक को किसी परिपथ में जोड़कर वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन और अनियमित गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन में निश्चित दिशा में नियत वेग से चलते हैं, और इसी नियत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, या इसी को हम कहते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग, अनुगमन वेग या वेग या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वी टी इस नोटेशन से डिनोट करेंगे आगे चलते। तो ये कुल परिभाषा हुआ है हम लोगों का मुक्त पथ, मुक्त पथ। फिर हम लोग पढ़े माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। और माध्य मुक्त पथ के बाद फिर पढ़े हम लोग श्रांति काल, श्रांति काल के बाद पढ़े हम लोग औसत श्रांति काल, औसत श्रांति काल, औसत श्रांति काल के बाद पढ़े हम लोग उष्मीय वेग, उष्मीय वेग के बाद बात पढ़े हम लोग अनुगमन, अनुगमन वेग। तो ये कुछ बेसिक डिफिनेशन है हमारे वैद्य चालक से, जो ये शब्द जब बार बार प्रयोग होते रहेंगे तो इनको आपको स्पष्ट समझाया गया, आपको भी इसको बेहतर तरीके से सुनना और समझना चाहिए। मुक्त पथ दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन दूरी तय करता है उसे मुक्त पथ कहते हैं, उसके औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ को तय करने में जो इलेक्ट्रॉन समय लेता है उसे हम लोग श्रांतिकाल कहते हैं, श्रांतिकाल के औसत को औसत श्रांतिकाल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो अपने आयतन में कहीं भी गति करता है उस गति को हम उष्मीय वेग कहते हैं। इसका मान बहुत अधिक 10^5 मीटर प्रति सेकंड होता है, पिछले में जो आपको बताया गया है। और जब उसी चालक को हम स्रोत से जोड़ देते हैं उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग जो है बहुत कम हो जाता है, एक निश्चित दिशा में नियत वेग से चलने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। उस वेग को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसका मान बहुत कम होता है, इसका मान होता है 10^4 मीटर प्रति सेकंड। ये सब चीज़ें हम लोग परिभाषा के अंतर्गत पढ़ें। इसके बाद से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वेग तथा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा में संबंध, संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम मान लें कि हम लोग पास एक चालक है और इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है पर्याप्त मात्रा में, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो भी इस चालक में है इसको हम मानेंगे कि माना चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मान जो है कैपिटल ए है। चालक के सिरों पे विभवांतर लगाने पर चालक में इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में चलते हैं, और निश्चित दिशा में चलते हैं तो उसे उत्पन्न होता है वेग, उस वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। तो मान लें कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो है वी डी, और इसको भी बोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है और इसमें बहने वाली धारा का मान जो है आई। तो आई और वी डी के बीच कैसे संबंध बनाया जा सकता है इसको समझा जाए। तो इस आर्टिकल में कुछ चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, बहुत सरल आर्टिकल है। तो इसमें यही होगा कि माना एक चालक है, उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में, एकांक माना एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इस माध्यम चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल,
चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वीडी। वीडी मतलब अनुगमन वेग जो हम वीडी मान रहे हैं, अनुगमन वेग जो हम लोग मान रहे हैं वीडी, तो ये वीडी का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड में भी मीटर की भी नहीं वी डी मीटर की दूरी जो तय कर देगा। वी डी मीटर की दूरी तय कर देगा मतलब अगर मान लें कि एक सेकेंड पहले इलेक्ट्रॉन जो भी स्तंभ ए पे थे तब सी पे थे, मान लें टी समय बाद हुआ या एक सेकेंड बाद जो है कहाँ पहुँच जा रहा है, इस स्तंभ डी पे पहुँच जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन सी से डी तक पहुँचे इसकी मात्रा को हम निकाल दें अगर, तो इस चालक पालन धारा का मान निकाल लें। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ये दूरी हो जाएगा वीडी, क्योंकि इसकी चाल इसके जो वेग और वीडी माना गया है मात्रक मीटर प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में वीडी मीटर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आयतन में कितनी दूरी तय करेगा अनुगमन वेग के अंतर्गत, तो वह वीडी दूरी तय करेगा, इतना मीटर दूरी तय करेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं इसकी संख्या निकालने के लिए हम लोगों को इस भाग का आयतन चाहिए, मैं बेलन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है इतने भाग के लंबाई का जो बेलन है इसका आयतन चाहिए। आयतन कैसे, तो आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल हुए ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल अगर ए माना जाए और यहाँ की ऊंचाई को अगर यहाँ एच को अगर यही एच माना जाए तो एच को क्या कहा जाए, एच यहाँ पे क्या है यही एच जो हम लोग का वी डी, यही एच जो है वी डी, इसलिए एक सेकेंड में किसी तल द्वारा ना करिए तल से होकर गुजरे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो उसका आयतन कितना होगा, आयतन होगा ए इंटू वी डी, आधार का क्षेत्रफल हो ऊंचाई, ये हो गया आयतन। अब वो एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या माना गया है, तो कितने आयतन कितने इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा यन। इसलिए टी समय में कितना, टी सेकेंड में गुजरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी ए वी डी इंटू यन, और इसमें बात करते हैं किसका, समय का। इतने इलेक्ट्रॉन जो एक टी सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन जो है सी से डी तक पहुँचेंगे। अब यहाँ से अगर मैं आवेश की मात्रा निकाल रहा हूँ, इसलिए टी सेकेंड में किसी तल से गुजरने वाला आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो आवेश की मात्रा मतलब यानी वी इलेक्ट्रॉनिक संख्या हुए इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकला होगा इतना, यानी ए वी डी एन टी एंड टी, ये हो गया क्यू का मान। तो इस चालक वाले धारा का मान कितना हो जाएगा, इसलिए हम लोग जानते हैं किसी पर वाले धारा का मान क्यू बाई टी होता है, और क्यू का मान कितना, क्यू का मान यहाँ निकला हुआ है ए वी डी यन टी इंटू ई या बाई टी, टी से टी ये कैसे होगा, जो बच गया या बचने वाली राशि है यन ई ए वी डी, यन ई ए वी डी, ये जो है पचपन बानवे धारा का मान हो गया। और इस सूत्र में देखिए यन एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए उस चालक अनुप्रस्थ और वी डी जो है उस चालक में चलने वाले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन या अपवाह में है। तो अगर हमको धारा का मान पता है तो इसके आधार पर हम लोग वी डी का भी मान निकाल सकते हैं, और यदि वी डी का मान है तो चालक में पाने वाली धारा की मात्रा को निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट दिन है बोर्ड परीक्षा के लिए भी और कंपटीशन में भी, इसको बार बार पूछते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध आई क्वल टू एन ई ए वी डी,
इस सूत्र के आधार पे आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अगले वीडियो पे इस पर प्रश्न, आंकिक प्रश्न इसमें मिलेंगे। अभी धारा घनत्व वगैरह वाला टॉपिक जब हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद से बहुत अच्छे से आंकिक प्रश्न इसमें मिलेंगे, तो आंकिक प्रश्न भी अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके।